नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज का पहला टी20 मैच खेला जाएगा 28 सितंबर को ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस पहले टी20 मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस पहले टी20 मुकाबले के लिए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम की पिच रिपोर्ट क्या है। वहीं पर इस पहले टी20 मुकाबले में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं, कौन कौन से बड़े बदलाव आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले टी20 मुकाबले में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, वहीं पर इस पहले टी20 मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस मुकाबले से जुड़ी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो इस मैदान पर अभी तक सिर्फ 2 ही टी20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, जहां पे फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने भी एक मैच जीता है, जबकि सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने भी एक ही मुकाबला जीता है। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 118 रन का रहा है, जबकि एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 117 रन का रहा है। तो दोस्तों, आप इन ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स से यहाँ के पिच का ज़्यादा आइडिया नहीं ले सकते, क्योंकि सिर्फ 2 ही मैचेस खेले गए हैं और उन 2 मैचेस में से सिर्फ 1 ही मुकाबला पूरा 20 ओवर का हुआ था और 1 मुकाबला जो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था वो रेन कल्टिवेट अफेयर था, जो कि 8-8 ओवर का कर दिया गया था। तो उस मैच से हम यहाँ के पिच का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। जो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में मुकाबला खेला गया था, उस मैच में इंडियन टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 170 रन बोर्ड पर लगाए थे और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने उस स्कोर को बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ चेस कर लिया था। और उन दोनों मैचेस में हमने देखा है कि सेकंड इनिंग्स में काफ़ी ज़्यादा ड्यू आई थी, जिसकी वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस और भी ज़्यादा बेहतर हो गई थी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मुकाबले में भी आपको दूसरी पारी में थोड़ी बहुत ड्यू नज़र आ सकती है। इसके अलावा वेदर फोरकास्ट भी ये है कि आपको क्लाउडी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस मुकाबले में भी जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट्स भी यही निकल कर आ रही हैं कि आपको इस मुकाबले में फ्रेश पिच इस्तेमाल होते हुए नजर आएगी, जो कि बल्लेबाजी के लिए बेहतर रहेगी। तो आपको बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशंस नजर आने वाली हैं इस मुकाबले में। एक बार फिर से मुझे लगता है कि जो टीम चेस करेगी उसके पास मैच जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर लें टी20 डोमेस्टिक मैचेस की, तो इस मैदान पर जितने भी टी20 के डोमेस्टिक मैचेस खेले गए हैं उन मुकाबलों में भी उसी टीम ने ज्यादा जीत हासिल करी है जिस टीम ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करी थी। और टी20 डोमेस्टिक मैचेस में भी आपको फर्स्ट इनिंग्स के जो स्कोर हैं वो 170 के आसपास ही ज्यादातर बनते हुए नजर आए हैं। तो बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले इस मैदान पर आपको देखने को नहीं मिले हैं टी20 डोमेस्टिक मैचेस में भी, लेकिन इस मुकाबले में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको जो फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 170 से 180 के बीच में बनता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एक बार फिर से जो टीम चेस करेगी उसके पास ही मैच जीतने का चांसेस ज्यादा रहेंगे। वहीं अगर हम बात कर लें पिछले 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की, तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम का है इंडिया के खिलाफ 173 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इसके अलावा जो लोएस्ट टोटल है वो न्यूजीलैंड की टीम का है इंडिया के खिलाफ 61 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने किया है इंडिया के खिलाफ 173 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इसके अलावा जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है वो इंडिया ने किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ 67 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इस पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो दोस्तों, जो 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें, तो टोटल 10 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 8 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 8 विकेट लिए हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 2 विकेट मिले, राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 1 विकेट लिया, राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 4 विकेट मिले और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने टोटल 3 विकेट लिए हैं। तो आप इन 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स से देख सकते हो कि जो तिरुवनंतपुरम की पिच है उसने फास्ट बॉलर्स हो या फिर स्पिनर्स हो दोनों को इक्वल असिस्टेंस दी है, इसलिए दोनों तरीकों के गेंदबाजों ने लगभग बराबरी नंबर ऑफ विकेट्स चटकाए हैं। अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात कर लें
तो इस मैदान पर शुरुआती ओवर्स में यानी कि पावर प्ले ओवर्स में तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा स्विंग मिलती है। ऐसे में शुरुआती ओवर्स में तेज गेंदबाजों के पास इस मुकाबले में भी विकेट चटकाने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो या फिर सेकेंड इनिंग्स हो। इसके अलावा अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो जब मिडिल ओवर्स आएंगे तब वहां पर स्पिनर्स भी इस मैच में इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। राइट आर्म लेग स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को इस पिच से मदद मिलती है, गेंद टर्न भी होती है। हालांकि सेकेंड इनिंग्स में थोड़ी बहुत ड्यू आने की संभावना है, पर इसके बावजूद स्पिनर्स यहां पर आपको सेकेंड इनिंग्स में भी इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को इंक्लूड करना चाहिए, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। 2 स्पिनर्स में आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ जा सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस T20 सीरीज के लिए इंडियन टीम के स्क्वाड में काफी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। दीपक हुड्डा, जिनको बैक स्पैज़म इंजरी है, वो इस T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर एज अ रिप्लेसमेंट स्क्वाड में श्रेयस अय्यर को शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या, जिनको इस T20 सीरीज से रेस्ट दिया गया है, उनकी जगह पर स्क्वाड में शाहबाज अहमद को भी शामिल किया गया है। वहीं पर मोहम्मद शमी, जो कि अभी भी COVID-19 पॉजिटिव हैं और वो भी इस T20 सीरीज से रूल आउट हो चुके हैं, और उनकी जगह पर एज अ रिप्लेसमेंट स्क्वाड में उमेश यादव को शामिल किया गया है। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें इंडियन टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों इंडियन टीम इस मुकाबले में आपको 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ ही खेलते हुए नजर आएगी, क्योंकि वो अपनी बैटिंग के साथ मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और हार्दिक पांड्या की जगह आपको नंबर 5 पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको जो इंडिया की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे केएल राहुल के साथ कैप्टन रोहित शर्मा, नंबर 3 पर आ सकते हैं विराट कोहली, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर हर्षल पटेल, नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह और नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल आ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए साउथ अफ्रीका की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में, तो आपको साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आएगी। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे कैप्टन तेम्बा बाबूमा के साथ विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक, नंबर 3 पर आ सकते हैं राइली रसो या फिर रीजा हेंड्रिक्स। अगर रीजा हेंड्रिक्स ये मुकाबला खेलेंगे तो वो आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे क्विंटन डिकॉक के साथ, जबकि तेम्बा बाबूमा नंबर 3 पर आएंगे। नंबर 4 पर आ सकते हैं एडन माक्रम, नंबर 5 पर ट्रिस्टन स्टब्स, नंबर 6 पर डेविड मिलर, नंबर 7 पर ड्वेन प्रिटोरियस, नंबर 8 पर केशव महाराज, नंबर 9 पर कैगिसो रबाडा, नंबर 10 पर एंड्रिक नोकी और नंबर 11 पर तबरेज शमसी आ सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में, तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें तो T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री में इंडिया और साउथ अफ्रीका का आमना सामना 20 मैचेस में हुआ है, जहां पर इंडिया ने 11 मैचेस जीते हैं जबकि साउथ अफ्रीका की टीम ने 8 मैचेस जीते हैं और एक मुकाबला नो रिजल्ट पर खत्म हुआ था। तो ओवरऑल रिकॉर्ड में आप कह सकते हो कि इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें पिछले 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस की, जो कि इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, तो वहां पर आपको मामला बराबरी का नजर आ रहा है। इंडिया ने भी 5 मैचेस जीते हैं जबकि साउथ अफ्रीका की टीम ने भी 5 मैचेस जीते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर ले पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की, जो कि इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, तो वहां पर भी आपको मामला बराबर नजर आ रहा है। इंडिया ने 2 मैचेस जीते हैं जबकि साउथ अफ्रीका की टीम ने भी 2 मैचेस जीते हैं और एक मुकाबला बारिश की वजह से नो रिजल्ट पर खत्म हुआ था। अब अगर हम बात कर ले दोनों टीमों की T20 इंटरनेशनल्स में रीसेंट फॉर्म की, तो इंडियन टीम ने जो पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 3 मैचेस जीते हैं और 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम ने जो पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मैचेस जीते हैं जबकि सिर्फ एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। तो आप रीसेंट फॉर्म के हिसाब से कह सकते हो कि जो साउथ अफ्रीका की फॉर्म है वो इस समय इंडिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेहतरीन चल रही है। अब अगर हम बात कर ले दोनों टीमों की परफॉर्मेंस पिछले 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में, तो इंडियन टीम का विनिंग परसेंटेज 70 है जबकि साउथ अफ्रीका का भी 70% है। एवरेज स्कोर के मामले में इंडिया बेहतर है 177 जबकि साउथ अफ्रीका का 175 है। हाईएस्ट स्कोर के मामले में भी दोनों टीमें बराबर हैं 212 जबकि लोएस्ट स्कोर के मामले में इंडिया बेहतर है 92 जबकि साउथ अफ्रीका का 87 है।
तो पिछले 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में भी दोनों टीमों का परफॉर्मेंस लगभग एक जैसा ही रहा है। यहाँ पर हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते। अगर हम बात कर ले वेन्यू परफॉर्मेंस की, तो साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मैदान पर कोई भी T20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है, जबकि इंडियन टीम ने इस मैदान पर 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जिसमें से एक मुकाबला जीता है और एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में दोस्तों कई सारे अगर आप रिकॉर्ड्स देखोगे, चाहे ओवरऑल रिकॉर्ड की बात हो या फिर रीसेंट मैचेस के रिकॉर्ड्स हो, आपको मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा बराबरी का नजर आ रहा है, क्योंकि ये दोनों बराबरी की टीमें हैं। तो ऐसे में आपको एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले T20 मुकाबले के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 का हिस्सा भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बल्लेबाजों की बात कर ले, तो आप इंडियन टीम की तरफ से विराट कोहली के साथ जा सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 352 रन बनाए हैं 58 के एवरेज और 142 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप सूर्य कुमार यादव के साथ भी जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 278 रन बनाए हैं 34 के एवरेज और 172 के स्ट्राइक रेट के साथ। साउथ अफ्रीका की तरफ से आप रीजा हेंड्रिक्स को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 8 मैचेस में 323 रन बनाए हैं 46 के एवरेज और 140 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप हेनरिक क्लासन के साथ भी जा सकते हो अगर ये मुकाबला खेलते हैं। पिछले 8 मैचेस में 202 रन बनाए हैं 34 के एवरेज और 161 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर हेनरिक क्लासन ये मुकाबला नहीं खेलते हैं, तो फिर आप क्विंटन डिकॉक को भी इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। और इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन गेंदबाजों की बात कर ले, तो यहाँ से आप लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 6 मैचेस में 13 विकेट्स लिए 7.14 की इकोनॉमी और 9.69 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह के साथ भी जा सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 8 विकेट्स लिए 7.99 की इकोनॉमी और 17 के स्ट्राइक रेट के साथ। साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से आप लुंगी एनगिडी के साथ जा सकते हो अगर ये मुकाबला खेलते हैं। पिछले 7 मैचेस में 13 विकेट्स लिए 6.89 की इकोनॉमी और 9.30 के स्ट्राइक रेट के साथ। अगर लुंगी एनगिडी ये मुकाबला नहीं खेलते हैं, तो फिर आप कैगिसो रबाडा को इस फैंटेसी 11 में रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर तबरेज शमसी के साथ भी जा सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 12 विकेट्स लिए 9.31 की इकोनॉमी और 14.50 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर हम इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन कर लें, तो इस समय ओपनिंग के मामले में इंडियन टीम थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है। मिडिल ऑर्डर के मामले में साउथ अफ्रीका की टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रही है। बैटिंग डेप्थ के मामले में भी साउथ अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। पेस बॉलिंग अटैक के मामले में भी साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलिंग अटैक इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर है, जबकि स्पिन बॉलिंग अटैक के मामले में भी साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर आप प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे, तो इस समय साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और बैलेंस्ड नज़र आ रही है। और अगर आप रीसेंट फॉर्म की बात करोगे, तो वहाँ पर भी साउथ अफ्रीका की जो फॉर्म है T20 इंटरनेशनल्स में, वो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो ऐसे में दोस्तों इस मुकाबले में फेवरेट साउथ अफ्रीका ही नज़र आ रही है और इंडिया के सामने कड़ी चुनौती वो पेश करेंगे। एक और रिकॉर्ड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि साउथ अफ्रीका की टीम ने इंडिया में अभी तक कोई भी T20 सीरीज़ नहीं गंवाई है। या तो वो T20 सीरीज जीते हैं या फिर T20 सीरीज ड्रॉ रही है। तो दोस्तों एक बार फिर से इंडिया के लिए काफी बड़ी चुनौती वो पेश करेंगे, तो इंडिया के लिए ये आसान नहीं होगी सीरीज और आपको काफी ज्यादा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लें ओवरऑल रिकॉर्ड की, तो इन दोनों टीमों के बीच अभी तक 7 T20 सीरीज खेली गई है, जिसमें से इंडिया ने 3 सीरीज जीती है, जबकि 2 सीरीज साउथ अफ्रीका ने जीती है और 2 T20 सीरीज ड्रॉ पर समाप्त हुई थी। तो एक बार फिर से आपको रोमांचक सीरीज देखने को मिलेगी। लेकिन इस मुकाबले की अगर बात की जाए, तो मुझे फेवरेट साउथ अफ्रीका ही नजर आ रही है और इसलिए दोस्तों इस मुकाबले की जो मेरी विन प्रेडिक्शन है, वो साउथ अफ्रीका के साथ ही जाने वाली है। फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है, किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम ये पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला जीतेगी, साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।